एक तरफ जहां मिस्र में हमास और इसराइल के बीच बातचीत की कवायद तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही गाजा में युद्ध थम सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तरी इसराइल पर लेबनान का हिजबुल्ला ताबड़तोड़ हमलों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, और अब हिजबुल्ला ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर 29 अप्रैल 2024 को IDF के खिलाफ कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले फिलिस्तीन में IDF के खिरबतमार मिलिट्री बेस और इजरायली सैनिकों के जमावड़े वाली जगह पर हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कफार चौबा हिल्स में रुईसत अल अलाम साइट पर गोला बारूद से हमला किया है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने मैतुला सेटलमेंट में एक बिल्डिंग पर भी अटैक किया है, जिसमें इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने मैतुला सेटलमेंट में 3 एंटी टैंक मिसाइलें फायर किए जाने की बात कही है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ऊपरी अल जलील काउंसिल के तेल हाई जंक्शन से मैतुला को जाने वाली सड़क को बंद किए जाने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला लेबनान से रॉकेटों के लॉन्च होने के बाद लिया गया है। इसके अलावा इजरायली मीडिया का ये भी कहना है कि 29 अप्रैल 2024 की सुबह से ही कम से कम 40 रॉकेटों के साथ साथ कई एंटी टैंक मिसाइलें लेबनान से इस इलाके में फायर की गई हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्ला के इन हमलों का असर इजराइल और हमास की युद्ध विराम वार्ता पर पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्ला का कहना है कि वो पूरी तरह से गाजा के समर्थन में खड़ा हुआ है, और जब तक गाजा में युद्ध नहीं रुकता तब तक लेबनान से भी हमले जारी रहेंगे। इसको लेकर हिजबुल्ला के नेता शेख कासिम ने इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 7 महीनों में हिजबुल्ला ने अपने सैन्य भंडार के मात्र 3% हथियार ही इस्तेमाल किए हैं, जो सेटलर्स को खदेड़ने के मामले में बेहद ही अच्छा है। इसमें इजराइल को काफी नुकसान हुआ है।